दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरनेट सही से वर्क नहीं कर रहा है, आपके वाईफाई या फिर आपके नेटवर्क सेटिंग के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं वन क्लिक, तो आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। बट दोस्तों, आपको बता दूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी नेटवर्क सेटिंग को ठीक करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेटिंग ऐप को ओपन कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सेटिंग ऐप पर क्लिक करोगे, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेटिंग और नेटवर्क का सेटिंग ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, तो याद रहे दोस्तों, यहाँ पर सारी टर्न ऑन हो गए, तो आपको यहाँ पर ऑफ कर देना है। बिकॉज गाइज, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दोस्तों, हो सकता है आपका VPN को चेक कर देना है। यदि यहाँ पर आपका VPN किसी भी सर्वर से कनेक्ट है, तो उसे कैंसिल कर देना है। बिकॉज गाइज, VPN से क्या होता है, हमारा नेटवर्क सेटिंग होता है या फिर हमारा नेटवर्क होता है उसमें इशू आता है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऊपर सर्च बार, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको रीसेट करके सर्च कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपको फिर से ऑप्शन मिलते हैं इरेज ऑल डेटा, रिसेट ऑल सेटिंग, यहाँ पर देख पा रहे हो रिसेट नेटवर्क सेटिंग, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखो आपके मोबाइल फोन के अंदर दो सिम कार्ड है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है कि कौन से सिम कार्ड के अंदर आपको प्रॉब्लम होती है और कौन कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होने वाली है। तो यदि आपके वाईफाई के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, या फिर आपके मोबाइल फोन के डेटा के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, या फिर ब्लूटूथ, ठीक है, तो यहाँ पर आप कंप्लीट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिम कार्ड को सिलेक्ट कर देना है कौन सा सिम कार्ड है। उसके बाद आपको नीचे रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपको अपना पैटर्न यानी कि पासवर्ड को एंटर कर देना है, जो भी आपका पासवर्ड है, और आपकी रिसेट हो जाएगी और 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।